नमस्कार दोस्तों, जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा प्राणी हाथी। लंबे मोटे पैर, लंबी सी सूंड और इतना बड़ा डील डॉल, वजन लगभग 6000 किलो। और वहीं बात करूं पूरी धरती पे पाए जाने वाले सबसे बड़े प्राणी की, तो ब्लू व्हेल, जिसका वजन और 33 हाथियों के बराबर और लंबाई लगभग 100 फीट। इतने बड़े विशालकाय डील डॉल के बाद, इतना वजन और इतनी शारीरिक क्षमताओं के बाद भी एक 60 से 80 किलो के मनुष्य ने इन दोनों प्राणियों पर काबू पाया है, इन दोनों प्राणियों को ट्रेन किया है और इन्हें अपने मनोरंजन के लिए, अपने उद्देश्यों के लिए वो उपयोग में ला रहा है। बात करें चीते की, तो एक घंटे में वो 96 किलोमीटर तक उसकी रफ्तार होती है। अगर बात करें मनुष्य की, तो वो एक घंटे में 1000 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है हवाई जहाज के द्वारा। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं मेंटल स्ट्रेंथ की, माइंड पावर की। ऐसा नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ का कोई महत्व ही नहीं है। आखिर एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और अपने शरीर की स्वस्थता का भी ध्यान उतना ही जरूरी है जितना मानसिक स्वस्थता का। लेकिन फिर भी अगर हम कंपेयर करें शारीरिक स्ट्रेंथ और मानसिक स्ट्रेंथ की, तो मानसिक स्ट्रेंथ ऐसे कई काम कर जाती है जो कि हमारा शरीर नहीं कर पाता। स्टीफन हॉकिंग इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उनका पूरा शरीर लगभग पैरालाइज था, फिर भी सिर्फ अपने मस्तिष्क की शक्तियों की बदौलत उन्होंने दुनिया को अपनी थ्योरीज की कई सारी सौगातें दी, जिन पर आज भी काम चल रहा है। तो अगर मैं यह कहूं कि यदि हमें एक्स्ट्रा अमंग ऑर्डिनरी बनना है, कुछ अलग करना है, कुछ अधिक करना है, और इसके लिए हम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने माइंड पावर को बढ़ाने की ओर ज़्यादा ध्यान दें बजाय फिजिकल स्ट्रेंथ के, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हम ये एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें माइंड पावर से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन हम करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, मन की अद्भुत शक्तियों के बारे में जानेंगे, मन के बारे में जानेंगे और उन्हें कैसे डेवलप किया जाए और अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए किस तरह से काम में लाया जाए, ये हम सीखने वाले हैं। धन्यवाद।